बैतूल जिले के भैंसदेही में स्थित 11वीं शताब्दी का प्राचीन सिद्धेश्वर नाथ मंदिर का भोपाल से आई पुरातत्व विभाग टीम ने निरीक्षण किया, जहां उन्होंने मंदिर का रखरखाव, शिल्पकलाओं सहित व्यवस्थाओं का बारीकी से अध्ययन किया। दरअसल 11वीं शताब्दी का यह प्राचीन अधूरा शिव मंदिर जिले के प्राचीन धरोहर है, जिसको लेकर मंदिर समिति द्वारा पुरातत्व विभाग को जानकारी देकर निरीक्षण करने की मांग की गई थी। विभागीय कमिश्नर के आदेश के बाद भोपाल से देवेंद्र सिंह सूद अपनी टीम लेकर भैंसदेही पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर का अवलोकन किया और मंदिर के कुछ हिस्सों में पड़ी दरारों और बाउंड्री के संबंध में जानकारी एकत्रित की। इस दौरान सिद्धेश्वर नाथ शिव मंदिर समिति के सदस्यों ने पुरातत्व विभाग से 11वीं शताब्दी के इस प्राचीन मंदिर के रखरखाव और व्यवस्थाओं को लेकर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने पुरातत्व विभाग से मंदिर के जीर्णोद्धार करने की भी मांग की है। बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट। समिति व्यवस्थापक को देख रेख करना मेरा काम है। क्या उद्देश्य के लिए आई थी आज पुरातत्व विभाग की टीम? पुरातत्व विभाग को 2 माह पहले शिकायत करी थी कि मंदिर जीर्ण शीर्ण होते चला, शिवकुंड टूट चुका है, पूर्व दिशा की बाउंड्री वॉल टूट गई है, आवास भोजन कक्ष बनाना है और विश्राम गृह, पुजारी कक्ष और मंदिर के खर्चे हेतु अन्य व्यवस्था। तो क्या लगा आपको यहाँ टीम आई थी जो जांच करके गई थी? बड़े साहब वगैरह जो आए थे, ऐसा लग रहा है कि इनके सुझाव मंदिर के हित में है और आगे इनके जो यहाँ से जाने के बाद जो कमीशन महोदय से चर्चा करने के बाद ही सुझाव मालूम हुए हैं।